अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने एक बयान देकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचाकर रख दिया है। विपक्षी गठबंधन के सामने अपनी शर्त रखने के बाद जब मायावती को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो अब उन्होंने बिना किसी गठबंधन के ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चलिए जानते हैं इस दौरान मायावती ने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। देश में जितनी चहल पहल राम मंदिर को लेकर है, ठीक उसी तरह आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक चहल पहल चरम पर है, जिसको लेकर कुछ में आपसी कलह चल रही है तो कोई अकेले ही चुनाव की नैया पार लगाने की फिराक में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बसपा पार्टी की, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं, खुद के दम पर अकेले ही अब लोकसभा का चुनाव ये पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर सोमवार को यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले अपने बूते पर लड़ेगी। मायावती ने कहा कि वह स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि पार्टी आम चुनाव में गरीबों, उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्ग, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर अकेले मैदान पर उतरने जा रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इसी के बलबूते पर ही हमने 2007 में आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसीलिए पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने इस दौरान अपने उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा ने चार बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में कोई काम नहीं दिख रहा है और मुफ्त में राशन देकर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। बसपा प्रमुख ने ईवीएम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ईवीएम में मिल रही गड़बड़ी की खबरों से बीएसपी के लोग चिंतित हैं। ऐसे में पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाना है। यदि पार्टी के लोग इन हालात का मुकाबला करके पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो पार्टी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर चुनावी बिगुल तो मायावती ने फूंक दिया है। अब इस बिगुल का कितना व्यापक असर चुनाव में देखने को मिलेगा, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।